अलैकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सब कह रहे से होंगे सब ठीक ठाक होंगे अच्छा जी आयशा नज़ीर के टॉपिक पे बात करना आज मेरी मजबूरी बन गई है मजबूरी इस वजह से बन गई है क्योंकि नजर आ रहा होता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है मुसलसल दो दिन से मैंने आयशा नजीर के टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं और कल वाली वीडियो में भी मैंने उनके एक झूठ का प्रूफ भी लगाया था आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी यकीन देखी होगी और अगर नहीं देखी तो इस वीडियो के देखने के बाद आपने मेरी कल वाली वीडियो लाजमी देखनी है और आज वाली वीडियो में भी मैं उनके झूठ का प्रूफ लगाने वाली हूँ झूठ चाहे छोटा हो बड़ा वो झूठ इतनी छोटी छोटी सी बातों पे जो औरत लोगों को इमोशनल कर देने की वो मतलब सलाह रखती है उस औरत ने कौन से आपको सच होंगे पहले उसके झूठ का ना एक थोड़ा सा छोटा सा एक नमूना आप देखने मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ जिसकी वजह से मैं जहनी टेंशन में भी हूँ आंखें भी मेरी सूज गई तो मैंने सोचा कि आज मैं बाहर निकलती हूँ थोड़ा फ्रेश होती हूँ

तो जिसके जवाब में फिर इसने क्या कहा मतलब कल वाली वीडियो में फिर इसने क्या कहा ये अब आप सुने पर जा रही थी तो मैंने अपनी आंखों के अंदर लेंस डाल लिए तकरीबन दो तीन महीने पहले वो मैं लेकर आई थी मैंने गलती ये की है सबसे बड़ी कि जिस डॉक्टर से आप चश्मा बनवाते हैं ना उसी से लिखवा कर आप लेंस लिया करें अपनी नजर के हिसाब से तो मैंने क्या किया कि शॉप के ऊपर से ना मैंने लेंस ले लिए वो मुझे कहते हैं कि आपके चश्मे का जो नंबर है उसी हिसाब से हम आपको लेंस देंगे लेंस मैंने इससे पहले एक बार लगाए थे थोड़ी देर बाद लगाए तो मैंने निकाल ली मुझे कुछ भी नहीं हुआ इरिटेशन हो रही थी लेकिन इतना कुछ नहीं लेकिन कल परसों जब मैं सायर रिंद भाई जो है उनके घर जा रही थी उनकी वाइफ से मिलने के लिए तो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था मैंने फौरी तौर पर मैंने कहा लेंस लगा लेते हैं ये किस लिए लिए जब वो लेंस मैंने लगाए ना आप यकीन जाने पंद्रह मिनट के बाद जब हम गाड़ी में जा रहे थे मेरी आंखों में बहुत इरिटेशन हो गई तो वो सब लेंस की वजह से हुआ था मेरी आंखें भी सूज गई थी वीडियो भी बनी है लोगों ने बोला कि आपको मेकअप करना नहीं आता तो आप मेकअप नहीं किया करें मेकअप करने में माशाल्लाह से मैं मास्टर हूँ वो लेंस की वजह से हुआ था तो जनाब इसी पे मज़द आगे जाके बात करेंगे वीडियो आज की बहुत ज़्यादा था मज़ेदार होने वाली है आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है लाइक करना है शेयर करना है चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है तो व्यूवर्स ये जो दोनों बातें इसकी सुनी हैं ये आप लोग जाके देख सकते हैं इसके अपने ये अल्फाज हैं इसके चैनल में से ही मैंने ये क्लिप्स निकाले और आप लोगों को सुनाए हैं मैं इनको पर्सनली नहीं जानती ना ही मैंने कभी इनका घर देखा है ना ही मैंने कभी इनका मोहल्ला देखा है मुझे नहीं पता कि ये कराची में कौन से इलाके में कौन से मोहल्ले में रहती हैं ना ही मेरा इनसे कोई लेना देना है ना ही कोई झातीी दुश्मनी है ना ही कोई रंजिश है बस मुझे इनकी बातों में झूठ नज़र आता है इनकी कहानी में झोल नजर आते हैं जिसकी वजह से मैंने इस पर रिएक्शन वीडियो बनाई थी आखिर क्यों ये औरत अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी इसके ऊपर गुजरी है चाहे सच है झूठ है जो कुछ भी है वो आके क्यों सोशल मीडिया पे सुना रही है और क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रही है इसकी कहानियाँ तो मुझे बिल्कुल आरजे महविश जैसी लग रही हैं कि दुनिया के हर बंदे ने इसके साथ धोखा किया इसके सगे भाइयों ने इसके साथ धोखे किए इसकी बहनों ने इसके साथ धोखे किए इसके बाप ने इसका साथ नहीं दिया बिल्कुल वो जैसे आरजे महविश कहानियाँ सुनाती बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन व्यूवर्स एक फ़र्क है इसकी कहानी में और आर महविश की कहानी में और वो फ़र्क ये है कि आर महविश की जिंदगी में चार मर्द आए थे और इसकी ज़िंदगी में फिलहाल हमने एक ही सुना है वो जो इसका हस्बैंड है मतलब इसने जो कहानी सुनाई व्यूवर्स ये औरतें व्यूज़ से ज़्यादा मतलब जो व्यूज़ व्यू हम जाके इनकी वीडियो पे देते हैं उससे ज़्यादा इनको इमदाद की ज़रूरत होती है और ये फैक्ट ये को मैं झूठ नहीं बोल रही मुझे ये बोलने का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है मैं जो हकीकत है वही आप लोगों को बता रही हूँ कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद चाहिए होती है लोगों से ख़ासतौर पर ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है उनसे इन लोगों ने इमदाद वसूल करनी होती है जो कि ये लोग कर भी रही हैं वरना और कोई मकसद नहीं होता कि ये यह यहाँ पे आके जो ये स्टोरियाँ सुना रही होती इनका और कोई मकसद नहीं होता सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिस हद तक हो सकता है ये लोग झूठ बोल बोल के बेवकूफ़ बनाती हैं सिर्फ़ यही एक नहीं आयशा नज़ीर नहीं ये जितनी भी औरतें हैं जो इस तरह की आके की स्टोरियाँ सुनाती हैं इस तरह की आके बातें करती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की हमदर्दियाँ वसूल करने के लिए ऐसा करती हैं वरना कोई भी घरेलू और शरीफ औरत जो औरत ये दावा करती हो कि मैं बड़ी शरीफ हूँ मैं घरेलू औरत हूँ तो वो औरत कभी भी आके इस तरह से अपने शोहर की बुराइयाँ नहीं करती मुझे आप लोग ये बताएं कि ये औरत तकरीबन कम से कम भी तीन या चार साल से ये यूट्यूब पे मेहनत कर रही है और हो सकता है इससे भी पहले कर रही हो इसने आ, मतलब इससे भी पहले शायद कोई चैनल बनाया हो लेकिन कम से कम भी तीन चार साल से ये यूट्यूब पे मेहनत कर रही है इसने सब कुछ देख लिया है इसने सब कुछ जाँच पड़ताल करके ही फिर यूट्यूब पर कामयाबी हासिल की है इसे नहीं पता होगा कि अगर मैं अपने शोहर की यह वाली बात बताऊंगी कि मेरे शोहर ने मुझे डिवोर्स दे दी थी और यह सब कुछ हुआ था तो इसे अच्छी तरह से पता होगा कि जब मैं ये बात करूँगी तो मेरे ऊपर तनकीद भी होगी मेरे ऊपर वीडियोज़ भी बनेंगी मेरे ऊपर बातें भी होंगी मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ भी बनेंगी जानबूझ के इस तरह की बातें की गई और इसे ये भी पता था कि अगर मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ तो मेरी एक अदद एक नहीं बल्कि दो नंदे हैं इसकी जिनके यूट्यूब पर चैनल हैं और अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं एक नंद के तो एक मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं इसने सिर्फ यही सोच के बार बार उसी अपनी नंद को टारगेट किया था जिसके मतलब एक मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं बार बार उसी को टारगेट किया था, था ताकि वो फिर मजबूर हो और वो वीडियो बनाए और इसे लगता था कि शायद वो वीडियोस पे वीडियोस डालेंगी अपनी सफाई में और मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स शायद फिर मिलियंस में हो जाएंगे इसी वजह से इसने जानते बूझते ये स्टोरियाँ सुनाई बाप कहती है कि मेरा नशे तो हो सकता है हो, होगा नशे ही होगा भाई भी इसके नशा मतलब नशा करते होंगे नशे ही होंगे जिस तरह की इस, इसने स्टोरी सुनाई है ऐसे ही होगा मैं नहीं कहती कि इसने झूठ बोला है लेकिन बहनों ने इसका साथ क्यों नहीं दिया फिर और बाकी कोई इसके रिश्तेदार नहीं थे ये मरी से कराची तक चली गई कोई इसका वली वारिस नहीं था कोई इससे पूछने वाला नहीं था बाप इसका बुरा था भाई इसके बुरे थे बहने और वो जो बहनों के वो शोहर हैं वो इसके बुरे थे शोहर इसका बुरा नंदे इसकी बुरी सास इसकी बुरी देवर जो भी सारे रिश्तेदार हैं वो सारे इसी के बुरे थे ये एक ही इकलौती मासूम और भोली भाली सी बच्ची थी बारह तेरह साल की बाकी सारे रिश्तेदार गंदे थे कुछ आप लोग अक्ल से काम लिया करें ये सारी जो कहानियाँ होती हैं ये सिर्फ फिल्मों में ड्रामों में अच्छी लगती हैं हर जगह पे ये कहानियाँ नहीं अच्छी लगती बाकी इसके अलावा फातमा के हवाले से मुझे कमेंट का जवाब देना था मेरी कल वाली वीडियो में कमेंट आया हुआ था कि आप लोग भी तो इन पर वीडियो बना बना कर डॉलर हैं और किसी को इतना मजबूर मत करें कि वो आमिर लिया हुसैन वाला जो खत्म है वो उठा लें बड़ी हैरत की बात है वैसे जिस भी मेरी बहन ने ये कमेंट किया है मैं उससे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको आमिर लियात हुसैन में और आयशा की आ, वो आयशा कह रही हूँ फ़ातिमा की माँ दो टके की औरत में आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आता आप मोहतरमा मेरी प्यारी सी बहन आप जाके मेरी सुबह वाली वीडियो देखें जो मैंने फ़ातिमा के हवाले से बनाई है मैंने उसमें बहुत कम बात की है थोड़ी सी बात की और सारे मैंने फातिमा के क्लिप्स लगाए उसमें देखें कि फ़ातिमा की माँ किस तरह से पीछे बातें कर रही है फातिमा को लोग कमेंट्स में किस तरह की घटिया वाहियात किस्म की बातें कर रहे हैं हर एक कमेंट पे इनकी माँ की भी नज़र है फातिमा की भी नज़र है सारे मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं जो कमेंट है सब के जवाब दिए जाए बाजारू औरतें होती है ना बाजारू किस्म की और इस तरह की जिस तरह की फातिमा की माँ है इस तरह की जो औरतें होती हैं ना उनको आप बर मेहरबानी किसी इज्जतदार इंसान के साथ मत उनका मुकाबला किया करें आयशा की माँ के अंदर अगर जरा सी गैरत होती तो वो अपनी बेटी के लिए इस तरह की बातें बर्दाश्त बिल्कुल भी ना करती जिस तरह की बातें कल रात उसे कमेंट्स में की जा रही थी और मुसलसल काफी दिनों से की जा रही रिएक्शन वीडियोस तो उस पर तब बनी है ना जब उसे शेयर लगे हैं और एकदम से इतने ज्यादा मतलब तो पांच शेयर उसे लगे हैं उसके बाद इस पर रिएक्शन वीडियोस बनना हर तरफ से शुरू हुई हैं लेकिन ये जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना उस पे, टिक टॉक पे ये हर किसी को इसी तरह के आते हैं और जो भी बदतमीज़ और फ़ालतू फजूल औरतें होती हैं वो इसी तरह टिकट पे बैठती हैं आप मेरी गुजिश्ता एक साल पुरानी वीडियोज़ भी जा के देख सकती हैं तब भी ऐसी औरतों को इसी तरह की ही गालियाँ मिलती हैं टिकटॉक पे बैठने वाली औरतें शरीफ लोगों की कैटेगरी में नहीं आती ये वो औरतें होती हैं जिनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है इनकी तलाक़ें हो जाएं, जो मर्जी हो जाए दुनिया इधर की और अच्छा ये भी मैं आपको बात बता दूँ कि टिकटॉक पे ऐसी भी औरतें बैठती हैं जिनकी तलाकें भी हो चुकी होती हैं फिर दूसरे दिन उसी हस्बैंड के पास चली जाती हैं हमदर्ती देने के लिए लोगों को इस तरह की वीडियोस बना के दिखाती हैं कि हमारी तो तलाक हो गई और यूट्यूब पे फिर एक साथ होते हैं इस तरह की भी औरतें होती हैं टिक टॉक पर टोटली दो नंबर औरतें बैठती हैं और जिनमें से फातिमा और फातिमा की माँ भी शामिल हैं और जितनी कोई उन पर वीडियोज़ बन चुकी हैं अब इनके लिए मज़ीद कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हर एक प्रूफ हर एक चीज़ टिकटॉक पे भी मौजूद है और यूट्यूब पे भी मौजूद है कि कितनी झूठी कोई है। ये हैं ये औरतें मुकम्मल ट्रेनिंग और मुकम्मल कोर्स के बाद ही आके टिकटॉक पे बैठती हैं धंधा चलाती हैं इनके जहन इस कदर मजबूत होते हैं कि ये इस तरह के काम नहीं कर सकती अलीजे से हर कोई देख लें उसने जो कांड किया था जो वीडियो उसकी लीक हुई थी उसके बाद वो तो ज़िंदा है माशाल्लाह से अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए तो और भी बहुत सारी हैं ऐसी जिनकी वीडियोस लीक हुई पड़ी हैं कोई नहीं इतना कच्चे जहन का होता टिकटॉक पे बैठने वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी हाफिज़